उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आजकल जगह जगह औचक छापेमारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल बृजेश पाठक लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां रंगे हाथों डॉक्टर से 50 लाख से 1 करोड़ की कीमत वाली अवैध दवाइयां पकड़ी। बृजेश पाठक ने डॉक्टर और अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साथ ही साथ वहां पर मरीजों का हालचाल भी लिया। ये दवाइयां जो थी ये सारी एक्सपायर्ड थी और इनको जानबूझ करके दवा कंपनियों को वापस नहीं किया गया था, जबकि कानूनी रूप से इनको वापस किया जाना था। और ऐसे में बृजेश पाठक पहुंच गए और उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद जमकर फटकार लगा दी। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या बृजेश पाठक के एक अस्पताल दो अस्पताल घूम लेने से सुदूर उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जो अस्पताल है और वहां पर होने वाली जो बदहाली है, क्या उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन आ पाएगा? इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सबसे पहले बताते हैं कल बृजेश पाठक ने क्या किया। तो लोहिया अस्पताल वो पहुंचे और बृजेश पाठक ने कुछ दवाएं इकट्ठा करवाई। वहां पर तकरीबन 5,152 दवाएं थी और उन्होंने दाम उसका एवरेज पूछा तो कुछ बताया कि 322 रुपया समथिंग ऐसा कुछ बताया गया और उसका जब जोड़ घटाव लगाया गया तकरीबन 50 लाख रुपए की वो दवाइयां निकली। इसके बाद बृजेश पाठक ने कहा कि सारी दवाइयां एक दाम की हो जरूरी नहीं है और महंगी दवाइयां भी हो सकती हैं, इसलिए तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट बैठ रहा है और अगर इसका ऑडिट करवाया जाए तो करोड़ों की दवाएं बैठेंगी और कार्रवाई इनके ऊपर किसके ऊपर की जाए और उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये अधिकारी लोग तय कर ले। ये खामियां जो थी उसको देख करके बृजेश पाठक ने वहां जो डॉक्टर थे और अधिकारी थे उन लोगों को जमकर डांट लगाई और साथ ही सवाल पूछा कि ये दवाइयां उन कंपनियों को वापस क्यों नहीं की गई। ये दवाइयां जब एक्सपायर हो जाती हैं तो उसके बाद दवा कंपनियों को वापस की जाती हैं, वहां से रिफंड आता है, यही व्यवस्था है और इससे सरकार का जो धन बचता है और साथ ही साथ वो मरीजों के कल्याण में इस्तेमाल होता है और नई दवाएं लाने के लिए पैसा अस्पताल में बच जाता है। लेकिन जानबूझ करके इन दवाओं को स्टॉक किया जाता है और उसके बाद ना कंपनी को वापस किया जाता है ना कहीं दिया जाता है, अपने पास रखकर दवाई को एक्सपायर करवा दिया जाता है और उसके बाद उस पैसे को अपनी जेब में डाल दिया जाता है। ये व्यवस्था चल रही होती है। अब एक अस्पताल में बृजेश पाठक जाते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं कि भैया ये जनता का पैसा है, तुम लोग अपनी जेब में लेकर के जा रहे हो। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक अस्पताल में दो अस्पताल में बृजेश पाठक के जाने से क्या पूरे प्रदेश में व्यवस्था बदल जाएगी? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली व्यवस्था नहीं रह जाएगी? क्योंकि अगर आप देख लें, एक तरफ बृजेश पाठक भी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं वो तब से लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इतने दिनों में क्या सुदूर किसी गांव के इलाके में जहां कोई अधिकारी कार लेकर अपनी नहीं जाता है, वहां पर 4 रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं और वही मिलकर के अस्पताल चला रहे होते हैं और सारा धंधा वहां चल रहा होता है, वहां क्या ये व्यवस्था बदल पाएगी? क्या वो बातें उप मुख्यमंत्री की नजर में आ पाएंगे कि जा करके वो वहां पर सवाल उठाएं और उन लोगों को फटकारें और हर एक अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त कर सके? क्या इसके लिए जरूरी है कि बृजेश पाठक खुद जाए या फिर इसके लिए एक टीम बनानी चाहिए और उसके बाद जाकर के वो सवाल खड़े करे कि जो कुछ व्यवस्था भी चल रही है, बदहाली चल रही है, जनता के पैसे को मारा जा रहा है, उस पर सवाल खड़े करे और व्यवस्था को सुधारने में काम करे। बृजेश पाठक निसंदेह शानदार काम कर रहे हैं, लगातार वो अस्पतालों में जाते हैं, मरीजों की हालचाल लेते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा जो कमियां होती हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अगर आप मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो परिवर्तन ऐसा हो जो आम जनता तक पहुंचे, 2-4 अस्पतालों का परिवर्तन परिवर्तन नहीं कहा जाएगा कितना भी अच्छा आप काम कर ले, अगर चाहते हैं कि हर आम जनमानस तक उस परिवर्तन की गूंज पहुंचे और हर आम जनमानस तक उसका फायदा पहुंचे, तो इसके लिए आप इकलौते ऐसे ही छापा मार करके और ट्विटर पर फोटो डाल करके नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बाकायदा नीति नियम बनाने होंगे और उसके बाद हर अस्पताल में इस तरीके का ऑडिट गंभीरता के साथ करवाना होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कितनी हजार दवाइयां इसी तरीके से हर साल डॉक्टर्स मिलकर सप्लाई कर लेते हैं, पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं और कह देते हैं कि मरीजों के लिए इस्तेमाल हो गई है दवाइयां। अब क्या उत्तर प्रदेश सरकार, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को देखें या हम अभी बृजेश पाठक को देखें, ये तमाम लोग गंभीर नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे प्रशासन में मूर्त रूप कोई परिवर्तन होने वाला है, अमूलचूल परिवर्तन की तरफ क्या उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है, ये सवाल है। और खास करके मेडिकल व्यवस्था जो कोरोना के दौरान 2 सालों में हमें एक्सपोज होकर के सामने आई कि क्या खामियां हैं वहां पर, और आने वाले दिनों में भी हम जो देख रहे हैं उसके बाद से तब से भी खामियां ही लगातार नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जहां जाते हैं उनको खामियां ही नजर आती हैं, तो क्या उसके लिए कुछ ऐसा नीति नियम बना करके काम करेंगे जिसके लिए जरूरी ना हो कि बृजेश पाठक को हर अस्पताल जाना पड़े, जाकर के देखना पड़े, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके तहत ये सारा कामकाज हो सके।
अब प्रदेश सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं ऐसे डॉक्टरों और अस्पतालों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।